अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रई जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर हम आपको बहरी टाउन और गुलमोड़ सिटी और इसके अलावा मोटरवे M9 के ऊपर जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से भी विज़िट कराते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो आज हमने प्लान किया है कि आपको सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसकी वजह से हम यहाँ पर आपको प्रमोट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें और जिसकी वजह से ये लोकेशन जो बड़ी हॉट होने वाली है अगले चंद सालों के अंदर, वो है सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है। मलिर एक्सप्रेसवे के हवाले से भी आपको बताते हैं और स्पेशली आज हम जब ट्रैवल कर रहे हैं बहरिया टाउन से गुलमोड़ सिटी तक का, तो इस दौरान जितनी भी दरमियान में सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से भी फर्दन बात करेंगे कि इन सोसाइटीज़ में क्या कुछ चल रहा है और इनको क्या बेनिफिट मिलेगा जब ये मलिर एक्सप्रेसवे बन जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मलिर एक्सप्रेसवे की, तो मलिर एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है KPT फ्लाईओवर से, कुरंगी क्रीक से शुरू हो रहा है ये, और इसके अलावा उसके बाद फिर कयूमाबाद कायदाबाद से होता हुआ फिर मेमन गोठ और मलिर टाउन को टच करता हुआ ये काठोड़ के पास आके मिलेगा मेन मोटरवे के ऊपर। और काठोड़ इंटरचेंज से अगर हम बहरिया टाउन का डिस्टेंस देखें तो तकरीबन आपको 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है कराची सिटी की तरफ। तो इसके लिए तो आपको वापस कराची सिटी की तरफ मूव जाना पड़ेगा, लेकिन एक्सेस बड़ी ईजी हो जाएगी अगर आप स्पेशली डिफेंस वाले एरिया से आ रहे होंगे, DHA से, और जो अपना नेशनल हाईवे वाली जितनी भी साइड है कुरंगी से लेकर आगे कायदाबाद और इसके अलावा जितने भी गुलशन हदीद हो गया पोर्ट कासिम, इन तमाम एरिया से आपको आना बहुत इजी हो जाएगा। एक्सप्रेसवे का आपको पता है कि लिमिटेड एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट होते हैं, तो आपके लिए बड़ा बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी होगी। और इसका जो टोटल लेंथ जो इस टाइम पर डिज़ाइन की गई है वो 39 किलोमीटर है। तो 39 किलोमीटर अगर एक्सप्रेसवे बना हो तो आपको हार्डली, क्योंकि डिज़ाइन स्पीड यहाँ पे तकरीबन 110 या 120 किलोमीटर पर आर के होगी, तो आपको हार्डली 20 से 25 मिनट के अंदर ये डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं। और कि सिटी के अंदर भी अगर आपको एक टाउन से दूसरे टाउन भी जाना हो तो इतना टाइम तो आपको लग ही जाता है। तो ये डिस्टेंस जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, स्पेशली मोटरवे पे आना। और अगर आप यहाँ पे मोटरवे पे फ्यूचर में रिहाइश रखते हैं और आप जॉब सिटी में करते हैं, या इसके उलट है कि आप रिहाइश आपकी सिटी में है और यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या आप यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। आने वाले दिनों में आपको लाजमी तौर पर बहरिया टाउन का, DHA सिटी का और जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ का रुख करना पड़ेगा अगर आप कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में इन होना चाह रहे हैं। तो बहुत बड़ा बिज़नेस आपको मिलने वाला है अगले पूरे एक डेकेड के अंदर, 2 डेकेड के अंदर, 2-3 दहाइयों तक ये बिज़नेस आपका बहुत बेहतरीन बूम पे होगा कि लोगों के पास इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, मेन कराची के अंदर इतनी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप ना हो जितना ये मोटरवे M9 डेवलप करके देगा और स्पेशली ये प्रोजेक्ट्स देंगे। तो एक तरह से ये बड़ा ईजी अप्रोच हो जाएगी, ईजी एक्सेस हो जाएगी, 3 से 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा। अब ये हमारी गवर्नमेंट की नीयत पे भी डिपेंड करता है और कोशिशों भी डिपेंड करता है, अल्लाह करे ये 3 से 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी फैसिलिटी ओपन हो जाएगी। और अभी हम काठोड़ से निकले थे और इतनी ही देर में आपको सामने DHA सिटी नज़र आना शुरू हो गया। राइट साइड पे अगर आप देख सकें तो DHA सिटी में सेक्टर 1 के जो फार्म हाउसेज हैं, विलाज हैं, वो यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं और ये धुआँ भी उठ रहा है, इनकी बैक साइड पर आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पे DHA सिटी के अंदर AI लगोना भी यहीं से ही आपको नज़र आएगा जब बनना शुरू हो जाएगा, अभी तक तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, तो बहुत जल्द हमें वो भी जब देखने को मिलेगा उसके वाले से भी आपको अपडेट्स दिया करेंगे। DHA सिटी के वाले से भी हमारे कुछ प्लान्स हैं कि आपको वहाँ का भी विज़िट कराएँ और इसके आगे जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेन मोटरवे के ऊपर, तो इंशाल्लाह फर्दन हम आपको तमाम प्रोजेक्ट्स का विज़िट कराते रहेंगे। तो DHA सिटी का अगर हम डिस्टेंस की बात करें काठोड़ से, तो तकरीबन कोई 6 से 7 किलोमीटर का बनता है। 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपको देखने को मिलता है DHA सिटी। DHA सिटी का अपना एक इंटरचेंज ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। पहले DHA सिटी के लिए में एंटर होने के लिए भी आपको बड़ी दूर से होकर आना पड़ता था, तो DHA सिटी तक पहुँचते हैं तो फिर DHA सिटी के वाले से DHA सिटी की इंटरचेंज जो DHA सिटी की तरफ से बनाई गई है, तो ये भी आपके लिए बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि DHA सिटी आपने अभी तक जितना भी बनता हो देखा होगा राइट साइड पे देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इसी DHA के सामने लेफ्ट साइड पे भी जिस साइड बहरिया है, तो DHA सिटी के पास अच्छी खासी लैंड है। तो फ्यूचर में DHA सिटी का फेज़ 10 जो है, क्योंकि इस DHA सिटी को फेज़ 9 कहा जाता है DHA का, और फेज़ 10 बिल्कुल इसके अपोजिट आएगा, तो वो भी लैंड यहाँ पर है। तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है DHA यहाँ पर मोटरवे का, आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली नज़र आएगी अगले 2 से 3 डेकेड के अंदर, अगले 10-15 साल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। और जितना भी हमारा
कराची शहर है, अभी एक्सपेंड होना है, वो मोटरवे की तरफ ही होना है। वैसे तो हर तरफ ही हो रहा है, नेशनल हाईवे की तरफ भी जा रहा है और आगे हॉक्स बे की तरफ और हर साइड से ही तकरीबन जा रहा है। अगर आप मोटरवे M10 की बात करें वहाँ पर भी बहुत सारी सोसाइटीज़ आ रही हैं। तो अच्छा है कि जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी मुल्क की इकॉनमी के लिए भी अच्छा है और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए और एंड यूज़र्स के लिए भी अच्छा है कि उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे मौके मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के। तो आगे DHA सिटी का गेट भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपको DHA सिटी की मेन एंट्रेंस देखने को मिलती है और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि DHA सिटी में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो है शौकत खानम, वो भी इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं राइट साइड में ऑलमोस्ट ग्राउंड प्लस और थर्ड या सेकंड फ्लोर की जो स्लैब है, टॉप स्लैब, वो डल रही है। तो ग्रे स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक इसका कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये 4th या 5th स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, या शायद हो सकता है कि इससे बड़ा भी बन जाए। तो ये अब देखें, एक चीज़ को समझें आप कि अगर आपने ये जब तक ऑपरेशनल होगा कि लाजमी तौर पर DHA सिटी में शौकत खानम हॉस्पिटल की अपनी एक लीड होगी, यहाँ पर अपनी ट्रैफिक जनरेट होगी कराची सिटी से, और यहाँ से आना जाना, इंटीरियर से आना, पंजाब से आना, तो ये भी बहुत बड़ा एक ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए ये एक पॉइंट है और वो लोगों को ये बहुत बड़ी फैसिलिटी भी मिल रही है। और इसके अलावा आगे आपको इसके बाद देखने को मिलता है लकी सीमेंट, एक तरह से इंडस्ट्रियल हब है, काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। तो उसके बाद भी आपको सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं, 700 सिटी देखने को मिलता है, ASF सिटी है। और लेफ़्ट पे अगर हम बात करें तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ गुलशन उस्मान का Phase 2 है या Phase 3 है। अच्छा, एक इंटरचेंज, जैसे हम बैरियर से निकले सबसे पहले इंटरचेंज हमने देखी है काठौर इंटरचेंज, उसके बाद हमें देखने को मिली DHA की अपनी एक इंटरचेंज, और उसके बाद ये DHA सिटी और ईधी विलेज के नाम से एक ये भी इंटरचेंज है, ये बराबर में ईधी विलेज भी है, उसको भी एक्सेस प्रोवाइड करता है, लकी सीमेंट को करता है। और इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर राइट साइड पर प्रोजेक्ट्स हैं, ASF सिटी है और इसके अलावा 7 Wonder है, अलकायम है, तो उसके लिए भी अगर आप यहाँ से कराची से आ रहे हो तो आपको यही इंटरचेंज से फिर सर्विस रोड पे जाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ की बात करते हैं कि इसको मोटरवे तो कहते हैं M9 को, लेकिन हमें यहाँ पे मोटरवे के नाम पे, जैसे सुपर हाईवे ही एक्चुअली है ये, उसको मोटरवे का नाम दे दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो हमें पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी मोटरवे पर देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटरसाइकिल भी एंटर हो रहे होते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एंटर हो रही होती हैं, तो एक तरह से हमें वो फील नहीं आता मोटरवे वाला जो हमें पंजाब में देखने को मिलता है। स्पेशली M2 की बात करें जो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ है, या उसके अलावा जो और मोटरवेज देखने को मिलते हैं, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि ये मोटरवे बना तो दी गई है, लेकिन इसके बराबर में जो सर्विस रोड चल रही है उसका बहुत बुरा हाल है। तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं और सर्विस रोड बिल्कुल इनकम्प्लीट देखने को मिलती है, और जहाँ पे बनी हुई भी है तो खाली आपको एम्बैकमेंट देखने को मिलती है और आपके लिए उस पर ट्रैवल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और ये एक तरह से बड़ा, इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी है यहाँ पे सोसाइटीज़ के लिए एंटर होना। सोसाइटीज़ में एंट्रेंस के लिए एक तो मोटरवे का नाम दे दिया, बराबर में सर्विस रोड होनी चाहिए। यहाँ पर बराबर में आप देख सकते हैं कि बाड़ लगी हुई है, आप हर जगह से एंटर नहीं हो सकते, एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन आपको सर्विस रोड के नाम पे भी एक बड़ी कच्ची रोड दी गई है। तो ये हम चाहते हैं कि इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि मोटरवे की ये सूरत हाल दिखाएंगे आप लोगों को और अपने हाई अथॉरिटीज़ को कि ये मोटरवे के नाम पे हमें एक बस दे दिया गया है, सुपर हाईवे रोड है, टैक्स इतना ज़्यादा लिया जाता है कि ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन दरमियान में अगर आपको किसी सोसाइटी पे एंटर करना हो, एग्जिट करना हो तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए। प्रॉपर मोटरवे होने चाहिए, प्रॉपर एंट्रेंस एग्जिट होना चाहिए, और सर्विस रोड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि अगर उसके ऊपर भी हम ट्रैवल कर रहे हों तो हमें फ़ील नहीं हो कि हम कोई इस तरह के एक बैकवर्ड एरिया में आ गए। एक तरह से ये जेल बन गई है, ये मोटरवे, आप इस जेल के ऊपर हैं, आप आसपास निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो हमारी हायर अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट भी है, अगर कोई देखे तो इस चीज़ को देखा जाए कि सर्विस रोड क्यों नहीं बन रही, इतना अर्सा हो गया है। तो ये एक अजाब से कम नहीं है यहाँ पे रहने वालों के लिए, और स्पेशली जो सोसाइटीज़ बन रही हैं तो इनके फ्यूचर के लिए भी एक सवाल है। ये तमाम सोसाइटीज़ जितनी हैं बन रही हैं, इनको भी ये एहतियात करना चाहिए और गवर्नमेंट लेवल तक ये बात पहुँचानी चाहिए कि बगैर सर्विस रोड के ये कैसे कामयाब होगी। हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में एंटर होना। अब अगर यहाँ से हम ये गुलशन उस्मान के लिए एंटर होंगे, गुलशन उस्मान का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो मुझे यहाँ से एंट्रेंस नज़र नहीं आ रही, या तो मैं बहुत आगे जाना पड़ेगा या पीछे से रास्ता निकल जाएगा। और उसके बाद सर्विस रोड की हालत भी हम आपको दिखाएंगे आगे चल के। गुलमोड़ सिटी के लिए अभी हम जा रहे हैं, तो गुलमोड़ सिटी के पास जो सर्विस रोड बनी हुई है उसकी हालत हज़ार भी दिखाएंगे।
तो इस वक्त आपको राइट साइड पे नज़र आना शुरू हो जाएगा गुलमोहर सिटी, ज़रा करीब होते हैं तो गुलमोहर सिटी और उसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं गुलशन उस्मान आगे है, गुलशन उस्मान का फेज़ 3 है इस टाइम, तो आगे की तरफ जा रहे हैं, किसी टाइम हम आपको इसके अंदर से भी विज़िट कराएंगे। गुलशन उस्मान फेज़ 3 का बाउंड्री वॉल आप देख सकते हैं और अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी नज़र आ रहा है, गलियाँ वगैरह रेडी हो चुकी हैं। तो इसके बाद इस प्रोजेक्ट के हवाले से ही हम आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे बहुत जल्द। अच्छा, ये आपको देखने को मिलता है 700 सिटी, GFS बिल्डर्स वालों का ये प्रोजेक्ट है, फेज़ 1 है ये, फेज़ 2 भी आगे उसके लिए भी लैंड एलोकेट कर दी गई है, तो उसके हवाले से भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे फ्यूचर में। तो इस वक्त ये GFS वालों का 700 सिटी फेज़ 1। अच्छा, 700 के हवाले से मैं बताऊँ तो डेवलपमेंट यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है और यहाँ से अगर आप गुजरते हुए देखते हैं तो आपको काफ़ी सारे घरों की कंस्ट्रक्शन भी इस टाइम देखने को मिलती है। तो ये इस चीज़ के लिए बड़ा स्पोर्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पे लोग आना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर मोटरवे का है। और बराबर में ही आपको ASF सिटी का प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। ASF सिटी ने ये मोटरवे के बराबर में बहुत खुशानदार एक पार्क भी बनाया हुआ है, बड़ा ग्रीन लैंड बनाई हुई है और मेन इनका जो एवेन्यू है ये भी नज़र आ रहा है। तो हम प्लान कर रहे हैं कि बारी बारी हर एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ASF सिटी भी एक लिस्ट पे आ गया, इसका भी विज़िट कराएंगे और इसके फ़ौरन बाद आपको देखने को मिलता है अलकायम सिटी। तो ये आगे आपको अलकायम सिटी देखने को मिलता है, लेफ़्ट साइड पे आपको देखने को मिलते हैं पेट्रोल पम्प्स और यहाँ पर बड़ा एक मशहूर होटल भी है सदाबहार। तो अगर आपको यहाँ पर एक बेहतरीन खाने पीने का पॉइंट चाहिए तो सदाबहार होटल ये लेफ़्ट पे है। हैदराबाद का यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है 93 किलोमीटर का। राइट साइड पे अलकायम सिटी है। हम इस वक्त बात कर रहे थे सर्विस रोड के हवाले से कि बहुत सारे प्रोजेक्ट को सर्विस रोड ना होने से बहुत नुकसान पहुँच रहा है और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि बहरिया टाउन का फेज़ 2 भी बहुत जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा। डेवलपमेंट तो हमें काफ़ी अर्से से देखने को मिल रही है। उसकी भी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो मेन बहरिया टाउन के गेट से तकरीबन कोई 34-35 किलोमीटर के ऊपर हमें जो बहरिया टाउन का गेट 2 है, BTK का बहरिया टाउन का फेज़ 2 का गेट, वो देखने को मिल रहा है। तो बहरिया टाउन जैसे बड़े प्रोजेक्ट तो और DHA सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट अपने लिए इंटरचेंज बना लेते हैं, लेकिन जो छोटी सोसाइटीज़ होती हैं, छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए बड़ा एक चैलेंजिंग होता है कि जब तक इस तरह की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और इस टाइम हम गुलमोहर सिटी की साइड पर पहुँच चुके हैं तो गुलमोहर सिटी के लिए हम नीचे उतरेंगे यहाँ से, सर्विस रोड पे एंटर होंगे तो मैं सर्विस रोड की क्वालिटी आपको दिखाता हूँ कि मैं इतनी देर से जो बात कर रहा था कि सर्विस रोड किस तरीके से बनाई गई है, तो मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ कि किस क्वालिटी की सर्विस रोड यहाँ पे मोटरवे नाम निहाद मोटरवे जो है इस पर आपको देखने को मिलती है। ये है इसकी सर्विस रोड, पीछे से बनी हुई नहीं है, हालांकि पेट्रोल पम्प है इसके पीछे से बननी चाहिए थी या फ्रंट से निकालनी चाहिए थी, लेकिन जो पार्ट बना हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं कि एक कच्चा रोड डला हुआ है और उसके ऊपर एग्रीगेट डला हुआ है। उल्टा जब भी यहाँ से आप गुजरते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बम्पिंग देखने को मिलती है और बस देख सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ से उल्टे हाथ पे गुलमोहर सिटी की बाउंड्री वॉल शुरू हो चुकी है। आज हम आपके डेवलपमेंट दिखाने के लिए आए हैं, तो आज की वीडियो को ये एंड करते हैं। तो साथ रहने का बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ दिखाते रहें, मेन मोटरवे के ऊपर आने वाले फ्यूचर में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से भी अपडेट देते रहें।